press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। आपके यहाँ प्रिया कुमारी नाम की एक बच्ची को 2 साल पहले किडनैप किया गया। उस बच्ची का पाप क्या था? उस बच्ची का पाप था कि वो अपने पिता के साथ 2 साल पहले मुहर्रम के जुलूस में मुहर्रम के लोगों को, जो जुलूस निकाले थे, उनको शरबत पिला रही थी। उनको शरबत पिला रही थी 2 साल पहले। और वो वहां के एक ऐसे पावरफुल, पाकिस्तान के एक ऐसे पावरफुल लोगों इंसान के नजर में आ गई कि उसकी उसी रात को उसको किडनैप कर लिया गया और आज तक उसका पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल। आज हमारे दुनिया के हर एक मुसलमानों को ना शर्म से नजर नीची कर देनी चाहिए, और खास करके पाकिस्तान के मुसलमानों को शर्म से नजर नीची करनी चाहिए, क्योंकि आपके पाकिस्तान का हिंदू जो सियासतदान है दिनेश कुमार, जो MLA है, वो मुसलमानों को पाकिस्तान की असेंबली में खड़ा हो करके लकुम दीनकुम वलयदीन बता रहा है। आयत अल 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 काफिरून बता रहा है, वो बता रहा है कि भाई तुम्हारे कुरान में किसी को फोर्सिबली कन्वर्शन कराना मना है। एक हिंदू बता रहा है कि तुम्हारा अल कुरान ये कहता है लकुम दीनकुम वलयदीन, तुम अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। एक हिंदू MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पाकिस्तान का पाकिस्तान के मुसलमानों को सरे आम बता रहा है कि भाई तुम अल काफिरून पढ़ लो, आयत अल काफिरून पढ़ लो, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी काफिर को, जिसको तुम काफिर मानते हो, उसको फोर्सिबली कन्वर्शन तुम नहीं करवा सकते हो, उसकी अनुमति और उसकी रजामंदी से कन्वर्शन करवा सकते हो। सही बात है। आज भारत में हमारे भारत के प्रधानमंत्री, मैं मानती हूँ कट्टर हिंदू है, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी का कन्वर्शन कराओ और किसी को हिंदू बना दो, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। तो आकर मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आज जिसको तुम काफिर कह रहे हो, जिसको तुम पीगन कह रहे हो, जिसको तुम बुत परस्त कह रहे हो, आज वो तुम्हें बता रहा है, भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कि तुम्हारे अल कुरान में 306 बार इकरा की बात, पढ़ने की बात कही गई है, शिक्षा की बात की गई है, 800 बार इंसानियत की बात कही गई है। तो पाकिस्तान हो या भारत हो, ये तो हिंदू बता रहे हैं आपके कुरान में क्या लिखा हुआ है। अब मुसलमान नहीं पढ़ रहे। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करके मुसलमान मर्दों को मर जाना चाहिए कि अब हिंदुओं को बताना पड़ रहा है कि तुम्हारा अल कुरान कितना खूबसूरत है और तुम्हारे अल कुरान में इंसानियत की बात बताई गई है, शिक्षा की बात बताई गई है, परहेजगारी की बात बताई गई है, मीठे जुबान की बात बताई गई है, और तुम वो सबसे दूर हो चुके हो कि अब हिंदू बता रहे हैं। ठीक है नाजर जी, ये बात आप ठीक कह रही हैं कि पढ़ना चाहिए, और बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने कुरान को जो है मानी से पढ़ा है, ट्रांसलेट करके पढ़ा है, समझा है। जैसे मैं कल एक वीडियो देख रही थी जिसमें मुसलमान महिलाओं का रिएक्शन दिया जा रहा था कि वो वोट जो है मोदी जी को देके आई हैं, और वो कह रही है कि हम इस वजह से चाहते हैं कि हमने बड़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिली है, लेकिन उसी मोहल्ले के मर्दों से जब पूछा जाता है तो कह रहे हैं कि बलडोज़र आएगा और ये नहीं आना चाहिए दोबारा। तो 10 साल हो गए एक वज़ीर आज़म को एक इतनी बड़ी रियासत पर हुकूमत करते हुए, लेकिन आज भी वो जो मुस्लिम मोहल्ला का जो वो ट्रस्ट है वो क्यों नहीं डिवेलप हो पाया, या फिर BJP जहाँ भी होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं की जो है जुमात है, हालांकि मुस्लिम के लिए भी बड़ी ऐसी स्कीम्स आई हैं जिस पे मैंने और आपने बात की है, इवन शादी पे भी उनको पैसा मिल रहा है, निकाह पे भी मिल रहा है, ग्रेजुएशन के लिए भी उनको पैसा मिल रहा है। तो ये वजह क्या है, ये क्यों सियासत और रिलीजन को आपस में मिक्स जो रिएक्शंस आ रहे हैं, हालांकि बात तो खैर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि मुस्लिम थ्रेट्स दे रहे हैं, नहीं देने चाहिए किसी भी वज़ीर आज़म को, जो कि इतना उनकी लीडरशिप, अगर मोदी जी की लीडरशिप की बात करें
तो इस टाइम देखिए यूट्यूब पे भी सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, व्हाट्सएप चैनल्स पे भी सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, फिर उनके जो ट्विटर एक्स अकाउंट है वहां पर भी, फिर दुनिया के अंदर स्पेसिफिकली पाकिस्तान के शो में भी कोई ऐसा शो नहीं है जहां पर उनका जिक्र ना हो। तो एक बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही पावरफुल जो है वो एक सियासतदान के तौर पर सामने आए, लेकिन उसके बाद भी इतने ज्यादा चैलेंजेस। देखिए, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। आप जैसा बीज बोते हैं आप वैसा पाते हैं। मुझे याद है कि प्रियंका वाड्रा ये कहती थी, मैं बहुत सारे रेफरेंसेस के साथ मैं बताना चाहूंगी कि प्रियंका वाड्रा ये कहती थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, पर जब कांग्रेस की प्रवक्ता के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अभद्र टिप्पणियां की और उसके साथ अश्लीलता का नंगा नाच किया तो प्रियंका वाड्रा कहीं नजर नहीं आई उसके पक्ष में। जो कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता था, आज वही कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचा भी नहीं पा रहा है और उसकी बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। स्वाति मालीवाल ने मणिपुर जा करके मणिपुर में राजनीति खेली थी प्रॉपर तरीके से। आज स्वाति मालीवाल जिस नेता के चक्कर में उसके नजर के सामने अच्छा बनने के लिए मणिपुर को में राजनीति गंदी राजनीति खेला था, उसी अरविंद केजरीवाल ने उसको पिटवा दिया। आज वो उसी राजनीति का हिस्सा बन गई है और वो खुद अपनी इज्जत और आबरू बचाने के चक्कर में मारी मारी फिर रही है और स्वाति मालीवाल रो रही है। पाकिस्तान ने हमसे पीओके छीना था, आज पीओके भारत में खुद जुड़ना चाहता है, पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। लालू के बेटे ने इलेक्शन कंपेनिंग के दौरान तेजस्वी यादव ने मोदी को बुढ़ा कहा था, बूढ़ा, और आज खुद व्हील चेयर पर कंपेनिंग कर रहा है। देखिए, भारत में मुसलमान बेटियां, मुसलमान महिलाएं सरे आम सरे बाजार कह रही हैं कि वो मोदी जी के समर्थन में। आपने खुद कहा कि वो मोदी जी को ही वोट करेंगी, वो चाहती है कि देश जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है और मुसलमान बेटियां और मुसलमान महिलाओं को जो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो रिस्पेक्ट मिला है वो इससे पहले 76 साल में भारत में मिला ही नहीं था। ये 10 साल में जो सिनेरियो चेंज हुआ है, भारत की बेटियां अपने आप को शक्ति का रूप समझती हैं, भारत की महिलाएं रात के 2 बजे भी बाहर निकलने से पहले ना एक बार हिचकिचाती नहीं है। आज मुसलमान मर्द तलाक देने से पहले ना मोदी और योगी का चेहरा देख लेता है। आज मुसलमान मर्द रेप करने से पहले ना, अपने पैंट का जिप खोलने से पहले ना, उसको याद आ जाता है कि अरे बाप रे, नया कानून लागू हो चुका है। 1 जून से जो नया कानून लागू हो रहा है, पैंट का जिप खोलने से पहले 50 बार सोचेगा। कन्वर्शन, जो नेहरू के जमाने में कई आर्टिकल्स ऐसे अमेंडमेंट किए गए, इंदिरा गांधी ने मुसलमानों के हित में संविधान से, भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दिया। आज जो नया कानून बना है उसमें कोई कन्वर्शन कराए तो फिर बताया जाएगा कानूनी तरीके से। तो मोदी जी के राज में, मोदी जी के नेतृत्व में क्रिमिनल्स के लिए बहुत बुरा हालत हो चुका है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जिसका भी क्रिमिनल माइंड है, जिसका भी जंगजू आतंकी जिहादी माइंड है, वो बड़े परेशान है, इतने परेशान है कि भाई अब तो मुश्किल हो चुकी है। अब तो भाई यहाँ पर हम हेटरेट और एंटी नेशनल स्पीच देंगे और वहां पुलिस आ जाएगी अरेस्ट कर लेगी, यहाँ हम पैंट का जिप खोलेंगे वहां पुलिस आ जाएगी अरेस्ट करेगी और बेल भी नहीं मिलेगा, यहाँ हम कन्वर्शन करवाएंगे वहां पुलिस आ जाएगी और बेल भी नहीं मिलेगा। तो ये जो सिनेरियो, ये जो कानून सख्त होता हुआ चला नजर आ रहा है, वो मुसलमान मर्दों के लिए सबसे बड़ी तकलीफ नजर आ रही है, सबसे बड़ी तकलीफ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर हम गैर कानूनी मकान बनाते हैं तो क्या बुलडोजर से टूटना नहीं चाहिए? टूट जाता है, यहाँ पे भी टूट जाता है, टूट जाता है। अगर कोई रेप करता है किसी लड़की को दबोच करके गाड़ी में लेकर के, जैसे नासिर खान ने किया था, क्या उसको पूरी उम्र जेल में नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। लारा भाषमी ने एक मासूम बस कंडक्टर का नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके गला रेता था, बस कंडक्टर का, एक मामूली सा बस कंडक्टर जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है, पर लारे भाषमी ने उसका गला रेत दिया था, क्या उसको पूरी जिंदगी जेल में नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। अब कन्हैया जो कांग्रेस में अब नेता बन चुका है, उसने क्या कहा था, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो क्या उसको पूरी जिंदगी जेल में नहीं रहना चाहिए जो एंटी नेशनल स्टेटमेंट दे रहा है? आपके पाकिस्तान का अगर कोई टुकड़ा करेगा, करने का नारा देगा, तो क्या उसको जेल की हिरासत में नहीं डाला जाएगा? बिल्कुल डाला जाएगा। तो जब पाकिस्तान में डाला जा सकता है, इस्लामिक देश में डाला जा सकता है,
तो फिर भारत में, भारत का संविधान तो भाई और भी स्ट्रांग है, उसमें क्यों नहीं डाल। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारत की बेटी नाजिया खान जी ने कितने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे मुस्लिम महिलाएं तो अब मोदी जी पे विश्वास करती हैं, पर मुस्लिम मर्द आज भी प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं, और आपने देखा कैसे जिहादी मोदी जी के खिलाफ जो है वो साजिश रच रहे हैं, और समय के साथ साथ जो वक्फ बोर्ड है उसकी गुंडागर्दी भी बढ़ती जा रही। तो हमें यही उम्मीद है कि 4 जून के बाद अब ऐसी सरकार आएगी जो वक्फ बोर्ड के नट कसेगी और इसकी जो गुंडागर्दी है उसको खत्म करेगी। तो अब देखते हैं आने वाले समय में वक्फ बोर्ड का क्या होता है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।